ये एक साल से रखा था लेकिन कोविड के चलते हो नहीं पा रहा था और अल्टीमेटली आज भी जो है वो बहुत बड़े बृहद प्लान पे नहीं हो पा रहा है, जिसका वजह यही है कि कल लीड का एग्जाम है और हमने स्कूल को क्लोज रखा है। जो भी सर्टिफिकेट आज जिनको भी मिल रहा है स्कॉलरशिप, कहना है कि एक अपनी योजना है विद्या ज्योति योजना, जिसके तहत आप सभी को 5,000 और 2,500 का आज स्कॉलरशिप आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। और यह इसलिए भी जरूरी था कि हमारे गांव और गांव के आसपास के जितने भी स्कूल हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, सभी सरकारी विद्यालयों के बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए कि आप किसी भी चीज में मामले में कम नहीं है। बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, बच्चियों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेजते हैं और हमेशा जो है वो ये सोचते हैं, ये युग है कि बच्चों को तो पटना पढ़ने के लिए भेजते हैं लेकिन बच्चियों को अपने घर में ही पढ़ाते हैं। इतना डिफरेंस जो है ये किया जा रहा है सोसाइटी में, और इसी को मिटाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कैनरा बैंक की तरफ से पहल की गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कैनरा बैंक की टीम को, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतनी बड़ी पहल की। और मुझे अच्छा लगा इसने जो शिड्यूल कास्ट की गर्ल्स है उनके लिए यह लेकर योजना आए हैं, और यह भी सही है कि जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनकी स्थिति समाज कमजोर होती है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपलिफ्ट करने के लिए। और आगे भी केनरा बैंक ने प्रॉमिस किया है कि आपके साथ नवंबर दिसंबर में प्रोग्राम होगा जिसमें बृहद पैमाने पर यह स्कॉलरशिप जो है हम लोग और उसको इलाज करेंगे, बड़ा करेंगे और उसके सहयोग करवाएंगे। तो बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन अब तक आप लोगों ने देखा है उसमें दो तीन बातें मुझे आप लोगों से कहनी है। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, ये तीन वर्ड जो है वही आपके जीवन को चेंज कर सकता है। संसार में पूरे यूनिवर्स में कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो पढ़ाई के अलावे दूसरे माध्यम से किया जा सकता है। एक गरीब परिवार से आई हुई छात्र या छात्राएं यदि चाहे तो अपने परिवार को अमीरी में बदल सकते हैं पढ़ाई के द्वारा। वो बड़े से बड़े जॉब, बड़े से बड़े ओहदा को हासिल करके अपने सोसाइटी, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हैं। और 33 बच्चियों को जो स्कॉलरशिप जो मिलेगा, छोटा सा ही मांगे आप ये समझे, जो स्टाइपेंड मिलेगा या आसपास की दूसरी लड़कियों के लिए भी प्रोत्साहन का काम करेगा कि जो अच्छे अपने स्कूल में पढ़ेंगे उनको हम लोग आगे भी प्रोत्साहित करते रहेंगे। और यह एक मसाल जो गली है डायस जिले से वो पूरे जिले तक पहुंचनी चाहिए, जिसमें यह लॉ और ऊर्जा जानी चाहिए कि पढ़ाई के द्वारा सोसाइटी को बदलना है, अपलिफ्ट करना है और ये बच्चियां मेंटेलिटी की बात कर रही थी उस मेंटेलिटी को भी चेंज करना है कि हमें लड़का हो या लड़की दोनों को समान रूप से पढ़ाना है। क्योंकि हमेशा मैं देखता हूं कि बच्चियों को एक लेवल के बाद या 10+2 में आने के बाद शादी कर दी जाती है और वही गरीबी के कुचक्र में घिसना शुरू हो जाता है। बच्चियों को यदि पढ़ाया जाएगा तो लड़कों की तरह वो भी आगे बढ़ सकती है, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती है। जनरली देखा जाता है कि अपने क्लास में तेज है, टॉपर है, लेकिन एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता ऐसी है, हमारी मेंटालिटी ऐसी है या हमारी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कंडीशन है जो अलाउ नहीं करता है और बच्चियों को वहीं पे पढ़ाना बंद कर देते हैं और शादी के लिए चिंतित होना शुरू करते हैं। बच्चियों को भी पूरी पढ़ाई देने का अवसर आप सभी जो गार्जियन आए हैं दूसरों को भी बताएं, मेरी बातों को पहुंचाएं, फैलाएं और बताएं कि बच्चियों को भी जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं लड़कियों को भी उतना ही तरजीह देकर पढ़ाए तो आपके जो दहेज की चिंता है वो समाप्त हो जाएगी। एक तो हम लोगों को बच्चियां जब अच्छे मुकाम पे हासिल करती है, बहुत बड़े लेवल पे शहरों में जाकर पढ़ती है तो उनकी आपको उसके तरफ से गुप्त हो जाना है, वैसे भी दहेज जिताना है तो बच्चियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, उनके लाइफ को बेटर करने के लिए उनको बहुत अच्छे से पढ़ाना जरूरी है, उनको पढ़ने के लिए जहां भी भेजना है उनको पढ़ने के लिए भेजिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके
लड़के नहीं है तो लड़कों, लड़के नहीं है तो कोई नहीं, लड़कियों में ही लड़कों का अपनी जो ड्रीम है उसको देखिए और जरूर पढ़ाइए। और आज का प्रोग्राम का मकसद यही रखा गया था, यह जो मैसेज है वह सभी गार्जियन तक पहुंचाया जाए कि वह लड़कों लड़कियों में कोई भेद न करे और उनको पूरी तरह से आजादी दे, पढ़ने की आजादी दे। और यह देखा गया है जब भी कोई भी बोर्ड या टेस्ट स्कूल की रिजल्ट आती है तो लड़कों से अधिक रिजल्ट जो है लड़कियों का होता है। यह बताता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां मेहनत करती हैं, तो अपने भविष्य के लिए वो चिंतित है, इसलिए उनको अवसर दें। जो माताएं यहाँ पे आई हैं उनको मैं बताऊंगा कि जैसे आपने स्ट्रगल अपने लाइफ में किया है और यदि आप चाहते हैं कि आपकी है ना, उनको पढ़ने का पूरा मौका दीजिए, बच्चों को ही पढ़ना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी कुछ भी कर सकता है। और लास्ट यही कहूंगा, अगर मुझे देख के आप समझ गए होंगे तो आप समझ जाइए कि मैं भी जब कुछ कर सकता हूँ यही से पढ़ा हूँ तो आप सबके बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, और मेरे बैकग्राउंड भी आप लोगों को अच्छे से पता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 1 सेकंड, क्या नाम है?